हाँ लकी तो है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कभी कमबैक करना रहेगा, वापस यहीं खेलने आऊँगा। लिट्टी चोखा सर, मैं भी यूपी से हूँ तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा है, और इधर आके तो मुझे पता चला कि देसी एकदम क्या चीज़ होती है वो पता चला यहाँ के खा के। और ये सबको पता है शिवम दुबे बहुत चेंज हो गया चेन्नई में आने के बाद, माही भाई का सपोर्ट और माही भाई ने जैसा गाइड किया, तो मुझे लगता है मेरा क्रिकेट ज़मीन से आसमान में चलेगा। वीआरवी सिंह ने 5 विकेट लिया, बहुत अच्छा बॉलिंग डाला। एक लेग स्पिनर है, उनका नाम नहीं पता, उसने भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और जो डेब्यू किया वो भी काफ़ी, मैं सूर्यवंशी इतना कम एज में डेब्यू करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे बात किया, उसको कुछ चीज़ें बोली है, अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है बट एक टेम्परामेंट और ये सब भी चाहिए रहता है हमें, तो वो चीज़ अभी वो सीख रहा है, तो मेरे को लगता है आगे जाके और अच्छा करेगा, बिहार के लिए नाम रोशन करेगा। मैदान तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, मेरे को लगता है कि ऐसे खुले इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कभी मिला नहीं खेलने के। ये ग्राउंड आपके लिए लकी साबित हुआ, आपने यहाँ पे 6 विकेट भी चटकाए, 41 रन भी बनाए, और तुरंत आपका अफगानिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ T20 टीम में भी चयन हो गया। हाँ लकी तो है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कभी कमबैक करना रहेगा, वापस यहीं खेलने आऊँगा। यहाँ के व्यंजनों का क्या आपने स्वाद लिया कुछ? किसका? यहाँ के व्यंजन जो व्यंजन में खाना खा है। लिट्टी चोखा सर, मैं भी यूपी से हूँ तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा है, और इधर आके तो मुझे पता चला कि देसी एकदम क्या चीज़ होती है वो पता चला यहाँ के खा के। सर बिहार की टीम जो है वो आपके साथ, आप लोगों की टीम के सामने टिक नहीं पाई, दोनों पारियों में 100-100 रनों पे ऑल आउट हो गई, तो क्या लगता है कहाँ पे वो टीम जो है वो कमज़ोर साबित हुई? आई थिंक उनकी टीम बहुत अच्छी है, हमने बॉलिंग, हमारा प्लानिंग जो था, हमने जो सोचा था वो हमने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया, तो हमारे फास्ट बॉलर ने, मोहित ने फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, जो सोचा था उस हिसाब से डाला, तो ऐसा नहीं होता है कोई टीम कमज़ोर होती है या कोई टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो भी खेल रहे हैं हम भी खेल रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट कौन से मैच में कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, कौन सी टीम अच्छा कर रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक ऑलराउंडर है, आपने यहाँ पे बॉलिंग भी अच्छा किया, बैटिंग भी अच्छा किया, आप अफगानिस्तान के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं है चोट के कारण, तो आपका वहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, तो क्या ये रणजी का जो मैच था वो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी वापसी के लिए? ये मेरे ख्याल से रेड बॉल है और वो वाइट बॉल है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, बट हाँ प्रैक्टिस की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो गया है, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। वीआरवी सिंह ने 5 विकेट लिया, बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, एक लेग स्पिनर है, उनका नाम नहीं पता, उसने भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और जो डेब्यू किया वो भी काफ़ी, मैं सूर्यवंशी इतना कम एज में डेब्यू करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और आगे जाके काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। आपने उनको दूसरे बॉल पे ही आउट किया, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे उनके क्रिकेट करियर को लेकर के, आगे कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे खेले, क्योंकि आप एक बड़े चेहरे हैं क्रिकेट के दुनिया में, तो वो लोग भी आपको अपना आइडियल मानते ही होंगे। हाँ मैंने उससे बात किया, उसको कुछ चीज़ें बोली है, अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है बट एक टेम्परामेंट और ये सब भी चाहिए रहता है हमें, तो वो चीज़ अभी वो सीख रहा है, तो मेरे को लगता है आगे जाके और अच्छा करेगा, बिहार के लिए नाम रोशन करेगा। आपने 41 रन की पारी खेली, उस दौरान आपको बिहार के किन कौन से ऐसे बॉलर लगे जिसे फेस करने में आपको दिक्कत हो रही थी? सभी बॉलर अच्छा डाल रहे थे, सभी बॉलर को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मेरे को टाइम लगा थोड़ा रन करने। वर्ल्ड कप को लेकर के आपकी क्या तैयारी है, T20 वर्ल्ड कप को लेकर के? अभी तो सर मैं अफगानिस्तान की तैयारी कर रहा हूँ वर्ल्ड कप। सर वो वर्ल्ड कप से पहला के पहले एकमात्र T20 सीरीज है, उसके बाद IPL है और उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, तो उस ये सीरीज में मतलब आपके क्या, आपका टेम्परामेंट क्या होगा उस टूर्नामेंट को लेकर के, क्या नज़र होगा वर्ल्ड कप पे? सर वर्ल्ड कप का बहुत आगे का आप बात कर रहे हैं, मैं यही सोचता हूँ कि एक मैच को एक टाइम पे लूँ और वो मैच में अच्छा परफॉर्म करूँ, अगर वो मैच में मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड होता हूँ और फिर मैं आगे वाले मैच का सोचता हूँ। सब प्लेयर लोग का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप खेलना, वो एक है दिमाग में कि भाई मेरे को इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप जिताना है, तो वो चीज़ है दिमाग में, वो एक गोल है, लेकिन मैच बाय मैच जाता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपने IPL की शुरुआत RCB से की थी, उसके बाद आप CSK में गए, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने के बाद आपके क्रिकेट में कितना बदलाव आया, उनके साथ खेल उनके कैप्टनसी में खेलने का कितना अंतर हुआ, कितना बदलाव आपके लाइफ में? तो ये सबको पता है शिवम दुबे बहुत चेंज हो गया चेन्नई में आने के बाद, माही भाई का सपोर्ट और माही भाई ने जैसा गाइड किया, तो मुझे लगता है मेरा क्रिकेट ज़मीन से आसमान में चलेगा। एक और सवाल लूँगा, IPL का फाइनल गुजरात टाइटंस के खिलाफ था और राशिद खान को आपने लगातार 2 छक्के मारे थे, वहाँ से मैच जो है वो काफ़ी हद तक CSK के फेवर में आ गया था, क्योंकि 50 रन चाहिए थे, आपने 2 छक्के मारकर उसके डिस्टेंस को कम कर दिया था, उस वक्त क्या चला था आपके माइंड सेट में?
वक्त यही चल रहा था कि और छक्के मार लूँ, जितना जल्दी हो सके मैच खत्म करूँ और ट्रॉफी उठा लूँ। शिवम, आप देश भर में अलग अलग जगहों पर, दुनिया में भी अलग अलग जगहों पर गए होंगे, मैचेस खेलते हैं, यहाँ के पिच में, यहाँ के मैदान में कितनी जान दिखी? मैदान तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। मेरे को लगता है कि ऐसे खुले ग्राउंड बहुत कम है, तो ये खुले ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने को बहुत मज़ा आता है, तो वो चीज़ का बहुत आनंद मिला सब लोग को। और बात रही विकेट की, तो आपने देखा ऐसा फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिया, तो एज अ फास्ट बॉलर मुझे लगा कि बहुत